नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। जब पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट का सामना करती है, तब दुनिया के नेता विभिन्न मंचों का इस्तेमाल करते हुए इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैश्विक मंच पर किसी संकट को लेकर जवाबदेही भी तय की जाती है, लेकिन G20 सम्मेलन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो गलत है। सही बातें कहने की अनुमति उसे ही दे दी गई। चीन, जो वैश्विक संकट का निर्यातक रहा है, उसे एक मंच दिया गया जिससे वो ये बता सके कि पूरी दुनिया को इस वक्त क्या करना चाहिए। ये बहुत निराश करने वाला है कि दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली नेता G20 सम्मेलन में इस संकट के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने में नाकाम रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यूटर्न लिया। ट्रंप वही व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार जोर देकर इसे चीनी वायरस कहा था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ मैत्रीपूर्ण लहजे में बात कर रहे हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग को लेट नाइट कॉल भी की। ट्रंप के अनुसार चीन ने वायरस को लेकर एक मजबूत समझ विकसित कर ली है। साफ है कि चीन की आर्थिक ताकत दुनिया की राजनीतिक इच्छा को बंधक बना रही है। G20 चीनी शासन को जवाबदेह ठहराने का एक मौका था, लेकिन G20 सदस्यों ने विनम्रता से ये सलाह देने की भी हिम्मत नहीं दिखाई कि चीन को अपनी नीतियां बदलनी चाहिए जिससे इस तरह के घातक वायरस ना फैले। चीन के साथ सख्ती से पेश न आने की कीमत आने वाले समय में दुनिया चुकाएगी। करीब 3.3 मिलियन अमेरिकियों ने पहले ही बेरोजगारी को लेकर अपना क्लेम दायर कर दिया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिका में बेरोजगारी की दर अगले एक महीने के भीतर 13% तक पहुंच जाएगी। वहीं अगर कोरोना वायरस का ये संकट और गहराता है तो जर्मनी में 3 मिलियन लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। भारत के शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूर हजारों मील चलकर अपने गांव लौट रहे हैं। ये जल्द ही बड़े संकट के रूप में सामने आ सकता है। G20 के सदस्य देशों को इन आंकड़ों को देखना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक GDP के 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं। वुहान कोरोना वायरस संकट स्वाभाविक रूप से अपने चरित्र में राजनीतिक है। ये चीन की विफलता को दिखाता है। ये बहुत निराशाजनक बात है कि दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली नेता G20 सम्मेलन में कोरोना वायरस संकट के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने में नाकाम रहे। वहीं चीन को कोरोना वायरस के एक बार फिर सक्रिय हो जाने का डर सताने लगा है। दरअसल चीन में विदेशों से आ रहे मामलों की वजह से ये सवाल उभरा है कि कहीं कोरोना दूसरी बार चीन में तबाही ना मचा दे। नेशनल हेल्थ कमीशन के एक सदस्य ने भी चीन में संक्रमण के दूसरे दौर के शुरू होने का खतरा बने रहने की आशंका जताई थी। चीनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार शनिवार 28 मार्च को चीन की मुख्य भूमि में कोविड-19 के 45 नए मामले दर्ज हुए, जिनमें से 44 मामले विदेशों से आए। शनिवार को ही वुहान में 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद एयरलाइंस को रविवार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में तेजी से कटौती करने का आदेश दिया गया। देश में प्रवेश करने वाले विदेशियों पर प्रतिबंध शनिवार को ही लागू कर दिए गए। चीन में अब तक 81,439 लोग इस घातक वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि 3,300 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआत में चीन पर कोरोना के खिलाफ देर से कार्यवाही करने के आरोप लगे और उसकी खासी आलोचना भी हुई। हालांकि बाद में कोरोना वायरस से निपटने के चीन के तरीकों की तारीफ खुद WHO ने भी की। इस समय चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है, जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े देश कुछ भी बोलने से हिचक रहे हैं, और ऐसा ही हाल अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।